प्रकाश आ रहे हैं जी। इस्लामपुर से है? इस्लामपुर से कहाँ से आ रहे हैं? इस्लामपुर। कहाँ गए थे इनको ले जाने? लाइब्रेरी में ले गए। क्या दिक्कत है, इसे लेके आ रहे हैं आप? रोड कच्ची है, रोड नहीं है बढ़िया, गाड़ी नहीं आता है, गाड़ी नहीं आता। तो अब क्या तकलीफ हुआ? तकलीफ यही है कि माथा पर लेके चलना पड़ता है, रोड खराब है। आपको क्या बोलना है? दिक्कत ही रोड ना बनना ना माथा पर करके लारली पर सकती के आ कोई दिक्कत तो ना हुआ है क्या? भारी लंगटा आ रहा है, आओ क्या परेशानी है? ओ तो क्या बोलते हैं आप लोग, किसी कहने की है खबर? हम लोग के एमपी विधायक को ध्यान नहीं दे रहा है। कौन है? कौन विधायक है? चंद्रसेन एमपी कौशल। कहाँ घर हुआ आपका? भटवाबाग। कौन प्रखंड में? इस्लामपुर। कौन जिला? नालंदा जिला। अब क्या मांग करते हैं? रोड ठीक। विकास की गंगा बहाने वाली एनडीए सरकार के विकास की गंगा इस्लामपुर प्रखंड के भटवा भाग में नहीं दिखाई दे रही है। आजादी के कई दशक बाद भी आज भी इस भटवा भाग गांव में विकास की रोशनी दूर दूर तक नहीं दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं और भट्टी उजपुर नालंदा से है। गौरतलब है कि इसी गांव का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर ग्रामीणों के द्वारा वायरल किया गया था, जिसमें एक प्रसूति महिला को घाट के सहारे ग्रामीण अस्पताल ले जाने को मजबूर दिख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस्लामपुर के भटवा बाग का 3 किलोमीटर सड़क अंग्रेजों के शासन काल से नहीं बना है। आलम यह है कि इस गांव में अगर कोई शादी ब्याह हो तो वह बारात घर तक पहुंच नहीं पाती है, या कोई भी बीमार पड़ जाए तो उसे एम्बुलेंस की जगह खटिया पर लाद कर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, जैसा कि वायरल वीडियो में दिखाया भी गया है। महज एक संयोग है कि प्रसूति महिला के पति का नाम नीतीश कुमार है, जो पेशे से किसान है और बिहार के सीएम भी नीतीश कुमार है। लेकिन सीएम नीतीश के ठाट बाट और किसान नीतीश के ठाट बाट में कितना अंतर है? अगर सीएम की तबीयत खराब होती है तो पूरे मेडिकल टीम लग जाती है, वहीं अगर किसान नीतीश कुमार की पत्नी निशा भारती की प्रसूति कराने की बात हो तो उसे सड़क जर्जर होने के कारण इसी तरह घाट पर लाद कर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। यही है बिहार में विकास के असली मायने। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के गृह क्षेत्र नालंदा के इस्लामपुर प्रखंड का भटवा बाग गांव विकास को मुंह चिढ़ा रहा है। इस वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते ही राजद ने इसे राजनीतिक रूप देना शुरू कर दिया। प्रसूति महिला का घाट पर अस्पताल जाने का वायरल वीडियो के ऊपर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उनकी विकास की गंगा के ऊपर कटाक्ष किया है। राजद नेता महेंद्र यादव ने बताया कि चुनाव के वक्त तो इस गांव में जन प्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद उनके किए गए वादे हवा हवाई हो जाते हैं। सिर्फ राजगीर और पटना के विकास कर देने से पूरे जिले का विकास नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा विशेष जाति का विकास किया गया है, अन्य लोगों के साथ उपेक्षित किया गया है। वहीं इस दौरान उन्होंने जमकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। क्षेत्र का विकास जहां तक बात है तो एक विशेष व्यक्ति विशेष जाति के लोगों के यहाँ ज्यादा विकास हुआ है, अन्य लोगों को काफी उपेक्षित किया गया है। उसका ज्वलंत उदाहरण भटवा बाग गाँव है, जहाँ से आप लोग आ रहे हैं। वहाँ पर ही महिलाओं को प्रसव होना होता है, प्रसूति को खटिया पर टांग के लाया जाता है, बुजुर्ग को इलाज करना है तो खटिया पर टांग के लाया जाता है। कितने तो इलाज के बगैर और सड़क के बगैर देर होने की वजह से वहीं मौत भी हो जाता है। कई महिलाओं को डिलीवरी होने में यहाँ नहीं पहुँचाया गया तो बच्चा और उसकी माँ भी मर गई है वहाँ पर, लोग जैसा कि बताए थे हमको। तो इस तरह से उपेक्षित किया जा रहा है। मैं आप लोग के माध्यम से खंड में भटवाबाग गांव है, जहां का एक प्रसव का न्यूज जो घाट पे रोड नहीं रहने के कारण घाट पर लेके जा रहे थे वो सोशल मीडिया पे चला, तो हमने उनके गांव पहुंचे और उस गांव की हालत लें। उनकी महिला से भी हमने अभी मिल के आ रहे हैं, लेकिन
जो यहाँ की स्थिति देखें, जो यहाँ के माननीय विधायक जी या माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नालंदा मेरा गृह जिला है, विकास की गंगा बह रही है, तो हमने तो आज स्पष्ट दिखाना चाहते हैं, आप लोग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे गांव हैं अभी जहां आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। जैसे रोगी हो, अगर जो रात में अगर जो कोई इमरजेंसी हो तो उनको प्राण छूट जाएगा घर ही पे, खाटे पे। खटिया से टंगा कर गए थे। खटिया से टंगा कर गए थे। क्या हुआ था आपको? तबीयत खराब था। अच्छा, तो आप कैसे गए थे आप? खटिया पर। तो जच्चा बच्चा ठीक है? ठीक है। तो कहाँ हुआ बच्चा, ले गए थे आपको? डॉक्टर के पास हुआ। और तो कैसे गए थे आप लोग? खटिया से गए थे। तो खटिया से कहे गए थे, एम्बुलेंस गाड़ी से कहने गए? रोड कचरा था इसी कारण तो खटिया पर टांग के ले गए।